अभी इस समय देश के कई हिस्सों में गेहूं की खेती करने वाले किसानों की फसल पीली पड़ रही है। किसान इससे काफी परेशान है और कई किसानों का ये कहना है कि उन्होंने टाइम पे बुआई की है, उन्होंने टाइम पे खाद डाला, उन्होंने टाइम पे पानी पिलाया, उसके बावजूद भी उनकी जो फसल है वो पीली पड़ रही है। और किसानों को ये बात सता रही है कि आगे जाके ये बीमारी फैले ना। गेहूं में पीलापन आने के मुख्य रूप से चार कारण है। पहला जो कारण है वो है जड़ों में बीमारी, दूसरा जो कारण है वो है पोषक तत्वों की डिफिशियंसी, और तीसरा जो कारण है वो है खरपतवार नाशक का प्रयोग, चौथा जो कारण है वो है मौसम का प्रकोप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्रीवाला में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम गेहूं की पीली हुई फसल को हरा भरा कर सकते हैं, कैसे हम हरी हुई भाजी को जिता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत काम का है वीडियो, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर इस समय आपके गेहूं के फसल में पीलापन दिख रहा है तो उसमें सबसे पहला कारण हो सकता है कि जड़ों में बीमारी। आपके गेहूं के फसल के जो रूट है उनमें एक तो फंगस लग सकती है, एक तो रूट एफिड लग सकता है, या तो नेमेटोड लग सकते है। आपने कितना भी पौधों को खाना दिया, कितना भी खाद डाला, तो भी पौधों का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, उसकी ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी और पौधा जो है पीला पड़ने लगा। इसके लिए जो पौधों में पीलापन है उसको सोल्यूशन के लिए हम, अगर आपके गेहूं के फसल में पीलापन दिख रहा है, रूट एफिड अगर आपको रूट पर दिख रहे, तो उसके लिए कॉन्फिडोर जो बायर कंपनी का आता है आपको वो लेना है 200 ml। उसके अलावा आप रेजेंट GR भी इस्तेमाल कर सकते हो, 3 से लेकर 5 kg आपको वो लेना है। 20 से 25 kg यूरिया लेना है, उसके साथ मिक्स करना है, फिर पूरा जो हमारा गेहूं की फसल है, पूरा जो खेत है, उसमें हमें छिड़काव कर लेना है और फिर हमें पानी चलाना है। दूसरा जो कारण है फंगस। आपके जो गेहूं की फसल है उसमें अगर कंटिन्यूस अगर पानी भरा हुआ रहेगा या वातावरण में कंटिन्यू ओस होती होगी तो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फंगस की वजह से अगर आपके गेहूं के फसल में पीलापन दिख रहा है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम थाइफिनाइट मिथाइल जो रोको नाम से आता है उसको हम लेंगे, एक 700 से लेकर 800 ग्राम वो लेना है यूरिया के साथ, 20 से 25 केजी यूरिया लेंगे, उसके साथ मिक्स करेंगे, फिर हमें हमारे खेत में पूरा छिड़काव करेंगे, फिर पानी चलाएंगे। तीसरा जो कारण है वो है निमेटोड। अगर आपके जो रूट है उनमें अगर आपको निमेटोड की समस्या दिख रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम कार्बोफुरान जो 3% वाला आता है उसको हम लेंगे, सेम 20 से 25 kg यूरिया लेना है, उसके साथ मिक्स करना है, छिड़काव करना है, फिर पानी चला देना है। ये हो गया अगर आपके जो गेहूं की फसल है उनमें रूट की वजह से कोई पीलापन आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है पौधों में जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी होती है या पोषक तत्वों की डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से अगर आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है तो उसके लिए आपको एक खाद डालना है। वो कौन सा डालना है, आपको 30 से लेकर 40 केजी यूरिया लेना है, उसके साथ 10 केजी आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, 5 केजी आपको फेरस सल्फेट लेना है और 5 केजी आपको जिंक सल्फेट लेना है, मिक्स करना है, छिड़काव करना है, पानी चलाना है। इसके अलावा हम स्प्रे से भी हम दे सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, आप उनमें कौन सा दे सकते हैं, 500 मिली जो नैनो यूरिया इफको का मार्केट में नया लॉन्च हुआ है आप उसको ले सकते हो, उसके साथ आप चिलेटेड वाला फेरस ले सकते हो, चिलेटेड वाला जिंक ले सकते हो और चिलेटेड वाला मैग्नीशियम ले सकते हो। 100-100 ग्राम हमको वो लेना है और 500 ml नैनो यूरिया लेना है, फिर हम पूरे खेत में स्प्रे करेंगे। उसके बाद अगर खराब मौसम हुआ या खरपतवार नाशक का प्रयोग हुआ उसकी वजह से हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली दिख रही है, वो कैसा पता चलेगा कि जब दिन का तापमान थोड़ा ज्यादा होगा और रात का तापमान थोड़ा कम होगा, या खरपतवार नाशक का प्रयोग किया है और उसके 4-5 दिन बाद अगर आपकी गेहूं की फसल आपको पीली दिख रही है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमको टॉनिक का इस्तेमाल करना है। हमारे गेहूं की फसल है तो टॉनिक में हम अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको अमाइनो एसिड लेना है, कौन सी भी कंपनी का हो, अच्छी कंपनी, आप इसाबियन ले सकते हैं या टाटा बार ले सकते हैं। उसको हम 19-19-19 जो लिक्विड खाद है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे और पूरे जो खेत है उसमें छिड़काव करेंगे।
अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों यह हो गया पूरा, हमने डिटेल में बताया कि क्यों हमारे फसल में पीलापन आ जाता है, पूरा डिटेल में बताया और उसका सोल्यूशन भी बताया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आगे वाले हमारे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, इसलिए हमारे जो चैनल है उसकी बेल आइकन है वो भी दबाना। थैंक यू।